अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा आईडीएस की जो असाइनमेंट है उसका रिव्यू है। ये जो असाइनमेंट है इसके लिए तीन अदद प्रोग्राम्स हैं पाइथन के बने हुए, एक क्लाइंट साइड, एक सर्वर साइड और एक देन फिर एनालाइजर के हवाले से, जो भी आप कोड करना चाहें उसके हवाले से होगी। तो हम इनको वन बाय वन रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम क्लाइंट को देख लेते हैं। ये जो प्रोग्राम है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा, मतलब इस प्रोग्राम का नहीं, यानी कि इस ओवरऑल जो आईडीएस का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा कि हमारे पास सर्वर के ऊपर एक आईडीएस सर्वर चल रहा होगा जो कि लिस्टिंग मोड में होगा, और फिर हमारे पास कुछ क्लाइंट्स होंगे उनके ऊपर पीरियोडिकली, लाइक कुछ कुछ वक्फे के बाद, ये जो क्लाइंट साइड वाला आईडीएस का पार्ट होगा वो चलेगा, वो अपने उस क्लाइंट के ऊपर से कुछ स्टेटिस्टिक्स गैदर करेगा, ठीक है, और गैदर करने के बाद वो सर्वर को भिजवा देगा। सर्वर क्या होगा कि सर्वर चूंकि लिस्टिंग मोड में होगा तो जो भी क्लाइंट उसको कनेक्ट करेगा वो उससे कनेक्शन एक्सेप्ट करके उससे डाटा लेगा, और डाटा को डिफरेंट फाइल्स में स्टोर कर लेगा, और देन फिर एनालाइजर होगा जो कि उन फाइल्स में से जो भी रिक्वायर्ड डाटा है उसको पिकअप करेगा, और फिर मतलब उस पर मजीद एनालिसिस अगर आप परफॉर्म करना चाहें ग्रेजुअली तो वो आप कर सकते हैं, फुल डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, उसमें बहुत तरह के लाइक एल्गोस रन कर सकते हैं, ठीक है, तो सिग्नेचर मैचिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ओवरऑल ये जो आईडीएस का स्ट्रक्चर होगा क्लाइंट और सर्वर बेस, तो हम उसमें सबसे पहले क्लाइंट साइड देख लेते हैं। क्लाइंट साइड क्या करेगी कि जब ये प्रोग्राम क्लाइंट का जो भी एक पीरियोडिक रन करने के हिसाब से जब भी रन करेगा तो ये रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करेगा। उसके बाद ये इनिशियल स्टैंडर्ड मैसेजेस हैं जो कि आगे जाके चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो इसके बाद इसके डिफरेंट तरह के मुख्तलिफ चीज़ों को गेट करने के लिए कुछ फंक्शंस डिफाइन हुए हैं, ठीक है, और इनके ऊपर हम वापस आते हैं। अभी पहले हम प्रोग्राम की मेन एग्जीक्यूशन पे जाते हैं। तो जनाब जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो ये सबसे पहले तो वो चेक करेगा कि मुझे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। रिक्वायर्ड पैरामीटर क्या है कि इसको सर्वर का होस्ट, सर्वर का आईपी और सर्वर का पोर्ट नंबर चाहिए जिसके ऊपर सर्वर साइड रन हो रही है, ठीक है। तो अगर इसको रिक्वायर्ड पैरामीटर नहीं मिलते हैं तो ये एग्जिट कर जाता है, और अगर रिक्वायर्ड पैरामीटर मिल जाते हैं तो ऐसी सूरत में क्या करेगा कि ये उन पैरामीटर्स को जो कमांड लाइन से प्रोवाइड किए गए हैं, सर्वर का आईपी और सर्वर की पोर्ट नंबर, उसको अपने पास डिफरेंट वेरिएबल्स में सेव करेगा। सेव करने के बाद एक सॉकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसके ऊपर कनेक्शन बनाएगा सर्वर के साथ, ठीक है। उसके बाद इसके पास तीन तरह के मैसेज हैं। एक ये सिस्टम इन्फो गैदर कर रहे हैं सैंपल के तौर पे क्लाइंट साइड से, फिर ये प्रोसेस की इन्फो गैदर कर रहे हैं, और देन ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आ जाते हैं, सिस्टम इन्फो गैदर करने के लिए हार्ड कोडेड ये इन्फो लिखेगा, यानी कि बता रहा होगा ये पॉइंट के ये जो इन्फॉर्मेशन आगे आ रही है ये सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और उसके अंदर हमने यहाँ पे इसको दे दिया होस्ट नेम, ठीक है। उसके बाद यानी कि हमने उसको होस्ट नेम के हवाले से जो भी यहाँ पे इसकी वैल्यू सेव थी ये देखें, ठीक है, वो चली गई और आगे पोर्ट चली गई, ठीक है। उसके बाद एक खास तरह का पैटर्न चला गया, ठीक है। तो इस बेसिकली प्रोसेस में इस वक्त हमारे पास तीन तरह की चीजें जा रही हैं। एक तो एक हार्ड कोडेड फॉर्म में सिस इन्फो जा रहा है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सिस्टम की इन्फो हमारे पास आ रही है, ठीक है। उसके बाद वो जो भी सिस्टम है उसका होस्ट नेम वगैरह वो चीजें जा रही हैं, और उसके बाद एक फंक्शन कॉल हो रहा है गेट सिस्टम का, और वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना वो आगे भिजवाई जा रही है माई मैसेजेस में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि ये जो सिस्टम इन्फो है ये हमें क्या वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये देखें जी गेट सिस्टम, तो गेट सिस्टम में ये एक CSV फॉर्मेट की तरह का डाटा बना रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। तो उसमें सबसे ऊपर कॉलम हेडिंग आ गई नेम और डिटेल्स, फिर
उसके बाद नेम में पहली जो प्रॉपर्टी ये गेट कर रहा है वो है प्लेटफॉर्म की, और ये प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम जो भी रिटर्न करेगा इसको वो ये बता देगा कि एक्चुअली प्लेटफॉर्म कौन सा है, फिर प्लेटफॉर्म की रिलीज कौन सी है, फिर प्लेटफॉर्म का वर्जन कौन सा है, यानी कि यूँ समझ ले कि विंडोज विंडोज की जो रिलीज है और विंडोज का वर्जन, के लाइक विंडोज है और विंडोज की जो रिलीज है वो फॉर एग्जाम्पल 20H2 है, ठीक है, और जो उसका वर्जन है वो 10 है फॉर एग्जाम्पल। आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर आ जाएगा कि आप इसके ARM पे हैं, i86 पे हैं, i10M पे हैं, 64 बिट आर्किटेक्चर पे हैं, आपके जो ये जिसके ऊपर ये प्रोग्राम रन हो रहा है ये बेसिकली इसका आर्किटेक्चर कौन सा है, इसमें होस्ट नेम, आपका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, और इसी तरह से फिर प्रोसेसर और रैम। ये सारी चीज़ें गेट करने के बाद ये रिटर्न कर देगा एज ए आउटपुट गेट सिस्टम, और वो चीज़ आकर यहाँ पे अटैच हो जाएगी इस जगह पे। तो इस तरह से एक पूरा मैसेज का ब्लॉक बन जाएगा जो कि इस सिस्टम के बारे में जिस पे ये क्लाइंट रन हो रहा है, सिस्टम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गेन कर लेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा कि ये कनेक्शन बनाएगा होस्ट के साथ, होस्ट से मुरादी सर्वर के साथ, उसकी रेलेवेंट पोर्ट के ऊपर, और उसको ये वाला मैसेज भिजवा देगा, ठीक है। तो हम ये स्टार्ट कनेक्शन में जाकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। स्टार्ट कनेक्शन है, स्टार्ट कनेक्शन को होस्ट पोर्ट नंबर ऑफ कनेक्शन और सिस डेटा यानी कि सिस्टम का डेटा मिल रहा है, और ये क्या कर रहा है कि सर्वर के साथ कनेक्शन बना रहा है, और उसके बाद जब वो कनेक्शन बन जाता है तो उसको डेटा भिजवा दिया जाता है। कौन सा वाला डेटा? ये जो अभी हमने गैदर किया था। इसी तरह से फिर सेकंड लेवल के ऊपर प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन गैदर होती है, और थर्ड लेवल पे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन गैदर होती है। गैदर कैसी होती है ये हम देख लेते हैं। तो हमने गेट सिस्टम देख लिया, हम गेट प्रोसेस देख लेते हैं। गेट प्रोसेस में प्रोसेस आईडी, प्रोसेस नेम और स्टेटस और स्टार्ट टाइम, ये चार चीज़ें गेट कर रहे हैं। इसके लिए हमने पीएस यूटिल का प्रोसेस इटरेशन वाला जो है बिल्ट इन फंक्शन उसको इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सब के ऊपर वन बाय वन जाता है, और वहाँ से प्रोसेस आईडी, प्रोसेस नेम, उसका स्टेटस और उसका क्रिएशन टाइम जो है वो गैदर करके लाता है, और उसके बाद ये प्रोसेस की इंफॉर्मेशन के अंदर CSV फॉर्म में वो डाटा को शेयर करवा लेता है। CSV फाइल के फॉर्म में नहीं है, CSV के डाटा के फॉर्मेट में, यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के फॉर्म में। इसी तरह से जो कनेक्शन वाला है वो आपके प्रोसेस आईडी, स्टेटस, लोकल आईपी, लोकल पोर्ट, रिमोट आईपी और रिमोट पोर्ट, ये डाटा गैदर करता है, और ये डाटा गैदर करने के बाद वापस रिटर्न कर देता है, ठीक है। इस प्रोग्राम की खास बात ये है कि ये प्रोग्राम पहले जब मैंने डिज़ाइन किया था सिर्फ विंडोज़ बेस्ड था, तो ये विंडोज़ की कुछ खास कमांड थी, डब्ल्यू मेक जिस तरह है, और इसी तरह नेट स्टेट माइनस -an, ये चलाते हुए ये वैल्यूज गेट कर रहा होता था। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये था कि ये चूंकि WMIC वगैरह, ये नेट स्टेट -an मतलब स्विचेस का फर्क है नेट स्टेट में, ये चूंकि विंडोज बेस्ड कमांडे थी तो ये फिर प्रोग्राम उस वक्त विंडोज में ही चल सकता है, लिनक्स वगैरह पे रन ना हो सकता। लेकिन अब बाद में मैंने इसको लेटर ऑन कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये चूंकि पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरीज को कॉल करते हुए यही सेम डाटा उठा रहा है प्रोसेस का, नेटवर्क का, और इसी तरह से सिस्टम के बारे में। तो अब ये प्रोग्राम आप लिनक्स पे चलाएं या विंडो पे चलाएं, इसके आउटपुट एक ही तरह की होगी, यानी कि ये उन पे भी रन कर रहा होगा, बिकॉज अभी WMIC कमांड बेस्ड डिपेंडेंट नहीं है जो कि सिर्फ विंडोज के लिए अवेलेबल है, बल्कि अभी ये पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हर प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो ये था जी हमारा क्लाइंट, जिसने क्या करना है कि पीरियोडिकली चलना है, और उसके बाद ये वाले रेलिवेंट डेटा, प्रोसेस का डेटा, सिस्टम का डेटा और नेटवर्क का डेटा गैदर करके सर्वर को भिजवा देगा। सर्वर साइड पे क्या होगा ये देख लेते हैं। सर्वर साइड पे ये पहले वो रिक्वायर्ड इंपोर्ट कर रहा है, उसके बाद
चेक करता है कि मेरे रिक्वायर्ड पैरामीटर के जहाँ पे मैंने सर्वर में रन करना है वो आईपी और पोर्ट प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई। अगर की भी है तो ये यहाँ पे जाके अपने कनेक्शन लिसन मोड में इस्टेब्लिश करके लिसनिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और अगर जो ही इसको कोई कनेक्शन बनता है इसके साथ तो फिर ये आगे उस एक्टिविटी पे चल पड़ता है। और एक्टिविटी क्या है कि ये जब भी इसके पास कोई कनेक्शन की रिक्वेस्ट आती है तो उसे कनेक्शन बनाने के बाद ये एक लाइन डिस्प्ले करवाता है कि ये कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया इसने फलां आईपी से, ठीक है। और उसके बाद फिर ये वहां से जो भी डाटा आता है उसको रीड करता है और रीड करने के बाद उसको एक्नॉलेज करता है। और एक्नॉलेज करने के बाद ये क्या करता है कि जब उसके पास डाटा कंप्लीट हो जाता है तो ये अपने पास ये डिस्प्ले करने के बाद कितने बाइट मुझे रिसीव हो गए वगैरह वगैरह, ये एक फाइल बनाता है। और ये फाइल का जो नाम है वो बेस कर रहा होता है आपकी किस आईपी और किस पोर्ट से कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। वो वेरिएबल्स यूज होकर फाइल नेम की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं ताकि हर कनेक्शन के अगेंस्ट एक अलग फाइल बने, ठीक है। और उस फाइल की एक्सटेंशन होती है XYZ, क्यों होती है इसके बारे में भी डिस्कशन थोड़ी सी देर आगे जाके आएगी जब हम एनालाइजर के ऊपर काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक XYZ टाइप की फाइल्स में ये डाटा जो आपको क्लाइंट साइड से रिसीव हो रहा होता है उस आईपी और उस पोस्ट के अगेंस्ट वो फाइल का नाम गेट करके उसमें सेव कर लेता है, ठीक है। तो ये थी हमारी सर्वर साइड जिसका काम ये था कि ये लिस्टिंग मोड में चली जाती है। और जब भी वो प्रोग्राम रन होता है तो जब भी कोई क्लाइंट कनेक्ट करता है तो ये उससे डाटा लेने के बाद उसको फाइल में सेव कर लेती है। और सेव करते हुए थोड़ा सा उसकी क्लींजिंग भी करती है क्योंकि ये मैंने नोट किया कि जब वहाँ से डाटा आता है तो उसके अंदर कुछ डबल एंटर्स और इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये जो है ये उस फाइल को राइट करते करते उसके अंदर से ये जो दो बार एंटर्स के साइन आ रहे होते हैं इस तरह की चीजें उनको क्लीन भी कर देता है, ठीक है। और इस फाइल को काफी हद तक CSV फॉर्मेट के करीब करीब ले जाता है, ठीक है। तो ये काम था सर्वर का कि सर्वर हमेशा लिसन मोड में रहे, क्लाइंट साइड की इनपुट देने का डाटा का वेट करता रहे और क्लाइंट साइड हर पीरियोडिकली थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलेगी और वो सर्वर से कनेक्ट करेगी और सर्वर से कनेक्ट करने के बाद करंट अपडेटेड डाटा रिगार्डिंग प्रोसेसेस एंड नेटवर्क कनेक्शंस एंड सिस्टम के इन्फो ये सर्वर साइड को प्रोवाइड कर देगा और सर्वर साइड उसको रिलेवेंट फाइल में राइट कर देगी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो थर्ड एंड फाइनल चीज आती है वो है हमारा एनालाइजर का प्रोग्राम। एनालाइजर का प्रोग्राम फिलहाल चूंकि हमारी ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं थी तो एज एन असाइनमेंट ये फिलहाल कोई मैचिंग कोई पैटर्निंग इस तरह की चीजें नहीं कर रहा, बट इसी के अंदर कैपेबिलिटी होनी है कि ये क्या करेगा कि अब ये जो हमारा क्लाइंट साइड डाटा भिजवाई जा रहा है और सर्वर को गैदर करी जा रहा है ये उसको उसके ऊपर कोई एनालिसिस जो आईडीएस का इंजन होगा ये उसके यहाँ पे मैमिक करेगा। तो फिलहाल ये क्या कर रहा है कि ये बेसिकली जो डेटा उसके पास आके फाइलों में सेव हुआ होता है उसमें से हर फाइल को ये ओपन करता है, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे आ जाते हैं हम ये रेलेवेंट फाइल्स रिक्वायर्ड इंपोर्ट करने के बाद ये क्या करते हैं बिल्ट इन उनको उसके बाद ये करंट पाथ लेते हैं और उस पाथ के ऊपर फाइल्स चेक करते हैं कि वहां पे कौन कौन सी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। उनकी लिस्ट ले लेते हैं सब फाइलों की और चेक करता है कि अगर फाइल एंड कर रही हो XYZ पे यानी कि उसकी एक्सटेंशन है वो XYZ हो जो कि हमारा सर्वर उसको स्पेशल XYZ की एक्सटेंशन के साथ राइट करता है तो आप क्या करें कि इस फाइल को ओपन करें उस फाइल में कोई एक्स्ट्रा डाटा आ रहा होता है, ठीक है। पहली लाइन में उसकी पहली लाइन को रीड करें, ठीक है। और रीड करने के बाद उस के ऊपर रहते हुए अब प्रॉपर उस फाइल का नाम अलोंग विद टाइप ऑफ द डाटा एक मुतय्यन करें और उसके बाद उस फाइल को प्रॉपर CSV फॉर्मेट में लाकर, ठीक है, उस XYZ के अंदर से डाटा रीड करके
अब सीएसवी फॉर्मेट में, प्रॉपर सीएसवी फॉर्मेट में जो कि एक्सेल में या किसी भी और सीएसवी रीडर में घुल सके, उसमें वो इसको राइट कर देते हैं। और राइट करने के बाद वो जो पुरानी एक्स वाई जेड वाली फाइल होती है उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये एनालाइजर का काम कर रहा था। अब हम इसका प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। ठीक है, इस डेमो के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सर्वर को चला लेते हैं। तो हम यहाँ पे कमांड देते हैं पाइथन और सर्वर डॉट पी वाई। तो ये कह रहा है कि मुझे चलने के लिए होस्ट और पोर्ट भी प्रोवाइड करें। तो हम इसको होस्ट में कह देते हैं लोकल होस्ट और पोर्ट दे देते हैं इसको 4444। ठीक है जी, तो अभी देखें ये सर्वर स्टार्ट हो गया और इसने 4444 के ऊपर लोकल होस्ट पे लिसन करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम देखते जाएं कि जो हमारे इस प्रोग्राम की डायरेक्टरी है इसमें हमारे पास ये देखें सिर्फ ये तीन फाइल्स पड़ी हुई हैं पाइथन की। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे जाते हैं और एनालाइजर का प्रोग्राम चला के देखते हैं, पाइथन एनालाइजर। तो इसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या फर्क है। तो इसने, आपको याद है ना कि इसने क्या करना होता था कि एक्स वाई जेड वाली फाइल्स को चेक करना होता था। अगर वो एक्स वाली जेड वाली फाइल्स हैं तो उनको इसने क्लीन करके पार्स करके प्योर सीएसवी फॉर्मेट में लाके इनको स्टोर करवाना होता था और एक्स वाई जेड फाइलों को रिमूव कर देना होता था। चूंकि अभी हमारे पास कोई भी एक्स वाई जेड फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए इस प्रोग्राम ने कुछ भी नहीं किया एनालाइजर ने। ठीक है, अब हम ये मिमिक करते हैं कि अभी हमारी क्लाइंट साइड है जिसने अब डाटा भिजवाना है, उसका टाइम पीरियड जो था, टाइम इंटरवल था, पूरा हो गया और अब उसने सर्वर से कनेक्शन बना कर वो डाटा भिजवाना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं पाइथन क्लाइंट और यहाँ पे हम आगे इसको अगर कुछ भी नहीं देंगे तो हमसे सर्वर का आईपी और पोर्ट मांगेगा। तो यहाँ पे हम लोकल होस्ट 4444 देते हैं। तो ये देखें इसने डाटा गैदरिंग स्टार्ट की, इसने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, उसके बाद इसने रिक्वायर्ड डाटा प्रोसेसेस का और इन चीज़ों का गैदर किया और गैदर करने के बाद ये डाटा उसने भिजवाना शुरू कर दिया सर्वर को। ठीक है, तो बता रहा है कि इसने पहले 96 बाइट, फिर 96 बाइट, फिर 96 बाइट, फिर 303 बाइट, फिर 12,000 बाइट और फिर 10,000 बाइट भिजवाए और इसी तरह इसने सर्वर से कुछ रिप्लाई में डाटा रिसीव किया, उसके बाद ये कनेक्शन बंद कर दिया। अब हम सर्वर साइड पे जाकर देखते हैं क्या हुआ है। तो देखिए सर्वर हमें बता रहा है कि जी मैं लिसनिंग मोड में था तो मुझे तीन कनेक्शन आए इस क्लाइंट की तरफ से इन इन पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, उन्होंने ये डाटा भिजवाया इन इन पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद वो कनेक्शन क्लोज कर दिए गए डाटा भिजवाने के। ठीक है, और सर्वर वापस लिसन मोड में वापस चला गया। अब हम जाकर जब इस डायरेक्टरी को देखते हैं तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे तीन अदद फाइल्स बन गई हैं। ठीक है, जिनमें से एक का साइज 1 किलोबाइट है, एक का 11 है और एक का 13 किलोबाइट है। ये फाइल्स पहले नहीं थी, ये इस कनेक्शन के बाद बनी है। ठीक है, और ये बता रहा है कि ये फाइल्स हैं जो कि इस आईपी, जो कनेक्टिंग आईपी था, क्लाइंट साइड का आईपी था, उसने इस पोर्ट पे कनेक्ट किया था 57068 पे। तो उसने ये जो उस फाइल में डाटा है वो प्रोवाइड किया था। स्टेटा को हम एक बार खोल कर देख लेते हैं नोटपैड में। तो देखिए सिस्टम इन्फो बता रहा है किस सर्वर की है या किस कंप्यूटर की है, उसका क्या आईपी था और वो किस पोर्ट पे कनेक्ट हुआ था। ठीक है, और नेम डिटेल्स में आप देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म विंडो, प्लेटफॉर्म रिलीज, दिस एंड दैट, इस तरह की सारी डिटेल्स बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम सेकेंड वाली फाइल खोल के देखते हैं। तो इसके अंदर देखें ये इसी तरह की डिटेल्स देने के साथ साथ यहाँ पर ये प्रोसेस आईडी, प्रोसेस नेम, स्टेटस, स्टार्ट टाइम वगैरह दे रहा है। ठीक है, और इसी तरह हम इसका थर्ड देख लेते हैं जिसमें नेटवर्क इंफॉर्मेशन आनी थी। ठीक है, तो देखें इसके अंदर ये प्रोसेस आईडी, स्टेटस, लोकल आईपी, लोकल पोर्ट, रिमोट आईपी, रिमोट पोर्ट आ रहे हैं, बट ये स्टिल प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे अब आप ये देखें तीन फाइलें बन चुकी हैं जिनकी एक्सटेंशन एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा सामने की तरफ लाकर, ठीक है, अब हम एनालाइजर का प्रोग्राम दोबारा चलाते हैं। देखिए पिछली बार हम चलाया था तो हमारे पास कोई एक्स वाई जेड की फाइल नहीं थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं किया था। तो हम इस प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं। ठीक है, तो इसने ये देखें कुछ प्रोसेसिंग की, और कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद इसने वन बाय वन फाइलों को पार्स किया, और उसके बाद देखें यहाँ पे एक्स वाई जेड फाइल्स उसने खत्म कर दी, और प्रॉपर अब नेटवर्क इन्फो, प्रोसेस इन्फो और सिस्टम इन्फो के टैग्स के साथ, डेट के साथ, सर्वर या जो क्लाइंट साइड का जो नेम था, उसका होस्ट नेम था, उसके साथ और उसकी आईपी के साथ और उसके पोर्ट जिसके ऊपर वो कनेक्शन बना था, उसके हिसाब से उसने एक प्रॉपर सीएसपी फॉर्मेट में उस रॉ डाटा को कन्वर्ट करके हमें दे दिया, जिसको हम किसी भी में खोल सकते हैं। जैसा कि हम इस प्रोसेस इन्फो के ऊपर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास डिफॉल्ट सीएसवी के लिए एक्सेल सेट हुआ हुआ था। तो ये देखें उसने यहाँ पे खोल दिया, इसको हम जरा थोड़ा प्रॉपर तरीके से बड़ा करके देखते हैं। तो ये देखें ये उसने प्रॉपर सीएसवी फॉर्मेट के अंदर हमें सारे का सारा डाटा क्लीन करके दे दिया। अब इसको हम चाहें तो डेटाबेस में इंपोर्ट कर सकते हैं, इस पे को और प्रोसेसिंग लगानी है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मैंने कहा यह है कि ये अब इसने ये डाटा हमें प्रॉपर सीएसवी फॉर्म में, ठीक है, प्रोवाइड कर दिया। ये है हमारा नेटवर्क कनेक्शन का हिसाब से डाटा, कौन कौन से कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हैं या नहीं है, और उनका लोकल आईपी क्या है, लोकल पोर्ट क्या है, रिमोट आईपी क्या है, रिमोट पोर्ट क्या है। तो ये सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है ना उस स्पेसिफिक कनेक्टिविटी की, ये यहाँ पे हमें मिलना शुरू हो गई है लाइव। और इसी तरह से सिस्टम की इन्फो भी थी, तो सिस्टम की इन्फो में ये हमें बता रहा है कि ये कौन सी विंडोज है, उसका वर्जन क्या है, उसका प्लेटफॉर्म का वर्जन क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, होस्ट नेम वगैरह वगैरह इस तरह की चीज। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि ये तीनों प्रोग्राम मिलकर एक तीन दत फंक्शंस को मिमिक कर रहे हैं आईडीएस के। नंबर एक क्लाइंट साइड या होस्ट बेस्ड आईडीएस का फंक्शन है, जो कि क्लाइंट साइड से डाटा गैदर करके सर्वर साइड पर प्रोवाइड करता है। फिर सेकंड कंपोनेंट है सर्वर साइड का, जो कि लिसन कर रहा होता है, और जब भी क्लाइंट उसे कोई डाटा भेजता है तो उसको वो कुछ रॉ फाइल्स में सेव कर लेता है। और तीसरा एनालाइजर का मॉड्यूल है, जो कि उन रॉ फाइलों में से डाटा रीड करके उसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेटेड डाटा में स्टोर करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीएसवी फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस असाइनमेंट, एंड उसके बाद वो उस पर कुछ प्रोसेस रन करके उसको क्लीन भी करता है। तो ये था हमारा इस असाइनमेंट नंबर 8, जो कि एंड्रॉइड इंडक्शन सिस्टम का एक बेसिक प्रोटोटाइप डिजाइन करना था, उसका एक डेमो। थैंक यू सो मच।